संसद परिसरातील पुतळे हटवण्यावरून आता काँग्रेस टीका करते। काँग्रेसच्या संविधान बचाव भूमिकेमुळे आंबेडकरांचा पुतळा हटवला। काँग्रेसचे नेते पवन खेरा यांचा भाजपवर आरोप आहे। मोदी गांधी सिनेमा विषयी बोलल्यानंतर महात्मा गांधींचा पुतळा हटवला असं म्हटलं जात आहे। तर महाराष्ट्रातल्या जनतेनं भाजपला नाकारल्यानं छत्रपती शिवरायांचा पुतळा हटवल्याचा आरोप सध्या काँग्रेसच्या वतीनं करण्यात येतोय। संसदेच्या परिसरातील महात्मा गांधी, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुतळे हटवण्यात आलेले आहेत आणि यावर काँग्रेसनं आक्षेप घेतलाय। वीर शिरोमणी शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज का स्टैच्यू, बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर का स्टैच्यू, ये तमाम स्टैच्यू वहां से हटा दिए गए। पीड़ा किस बात की है, खीज किस बात की है? पीड़ा इस बात की है कि ये जो वन नेशन वन रीइंकार्नेशन, वन नेशन वन गॉड जो बनना चाह रहे थे, एक देश एक भगवान खुद जो बनना चाह रहे थे, उन्होंने कहा बीच चुनाव के कि महात्मा गांधी को तो कोई जानता ही नहीं था जब तक पिक्चर नहीं आई। लोगों ने जवाब दिया 4 जून को, करारा जवाब दिया। महाराष्ट्र के नतीजे आपके सामने हैं, करारा जवाब महाराष्ट्र के लोगों ने भी दिया। तो महाराष्ट्र के लोगों से बदला लेना के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू भी यहां से उखाड़ दिया और पीछे धकेल दिया। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।